200 ग्राम सवा किलो। और आज हम बनाने जा रहे हैं देसी मुर्ग शोरबा सफ़ेद चावलों के साथ। चूल्हा बंद कर दें माशाल्लाह से। ये हमारा देसी मुर्ग जो है ना वो तैयार हो चुका है। ये हमारे सफ़ेद चावल तैयार हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। ट्रैवल टाइम में एक बार फिर खुश आमदीद। अभी हम मौजूद हैं खुबर के अंदर, मेरे साथ हैं अकील भाई और जुनेद। आज की वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं दमाम में एक देसी बाज़ार के अंदर, देसी मार्केट के अंदर, और आज हम अपनी वीडियो को लगाने लगे हैं देसी टच। और वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके मुर्गा, देसी मुर्गा लेना है। उसके अलावा हमने बाकी चीज़ें भी ख़रीदनी हैं। आए हमारे साथ चलें, हम आपको सैर करवाते हैं देसी मार्केट की। हाँ, फाइनली हम पहुँच चुके हैं देसी मार्केट में। और अब ये देखें जी, ये देसी कुक्कड़ आ गए, और ये आगे आ गया जी बतख। नहीं बता रहे, ठीक है। और ये बतख, कुक्कड़ और ये सारी, ये कबूतर आ गए। ये 70 रियाल का है भाई। दवा के खेत किलो ये 45 रियाल का। आज ये हम अर्शद अंकल के लिए देसी कुकड़ लेके जा रहे हैं। हमने ले लिया है, अभी हम जा रहे हैं वापस कुकर की तरफ। और आज जाके हम इसका आगे बताएंगे कि हमने इसकी डिश कौन सी बनाई। अच्छा नासी, अच्छा काम कर रहे हैं। देसी दे मुझे थे। हाँ हाँ, देसी आमदन होता है। ये हमारे प्यारे दोस्त गफर भाई हैं, बेहतरीन किस्म के शेफ हैं। और ये मुर्गा इन्होंने जो है ना काट के तैयार कर लिया है। ये तकरीबन 1.5 से 2 kg होगा। उसके साथ ये जो बनाने के लिए जो लवाजमात हैं, ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने तैयार कर दी हैं। अच्छा, और आज हम बनाने जा रहे हैं देसी मुर्ग शोरबा सफ़ेद चावलों के साथ। और उसके लिए ये सारी तैयारियां हो रही हैं। हसबे जायका कुकिंग ऑयल डालेंगे और ये देख लें, सबसे प्योर सऊदी अरब का कुकिंग ऑयल आफिया। अब इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन पिसा हुआ, प्याज हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है, अब इसमें हम डाल रहे हैं देसी मुर्ग की बोटियाँ जिन्हें हम प्याज के अंदर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अभी हम इसमें मेड इन पाकिस्तान नमक डाल रहे हैं और 2 स्पून नमक डाल दिया। ये हम हसबे जायका हल्दी डाल देंगे। और ये आ गया जी
फ्राई मसाला, चिकन फ्राई मसाला, और इसके ऊपर हम ये डालेंगे थोड़ा सा करी पाउडर। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च जायके के लिए डाल देंगे। इसे खूब अच्छी तरह से हिलाएंगे, मिक्स करेंगे। अभी तक हमने इसमें टमाटर नहीं डाले। जब ये अच्छी तरह से गोश्त फ्राई हो जाएगा, अब ये गोश्त नीचे लग रहा था उसके लिए थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल किया। 10 मिनट तक इसे फ्राई करने के बाद अब इसका गोश्त ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। दो ग्लास पानी डाल दिया है और अब हम इसको लगाने वाले हैं दम में। हमने कर दिए और ये चावल बन रहे हैं और इन्हें कहते हैं मुखद्दम राइस। अरबी में इनका नाम मुखद्दम राइस है। और ये देसी मुर्गा उसकी जो यखनी है उसके अंदर ये चावल बन रहे हैं। ये अभी चावल को कलर दे रहे हैं। हाँ, डाल दें थोड़ा सा ये। और इसके बाद अब हम डालेंगे ये ज़ाफ़रान आगे, ओरिजिनल ज़ाफ़रान कश्मीर श्रीनगर की। ये हम चावलों को लगा रहे हैं दम। अच्छा जी, ये 40 से 45 मिनट दम लगाने के बाद अब जो है ना वो ये पोजीशन है देसी मुर्गे की। और हाँ, ये माशाल्लाह से बेहतरीन तैयार हो गया। अब इसके ऊपर गफर भाई, अब इसके ऊपर ये धनिया और हरी मिर्ची और उसके साथ अदरक जो है ना ये कूटी हुई ये डाल दे। ये आ गया। और मेरे ख्याल में इसके नीचे जो है ना वो बंद कर देते हैं, चूल्हा बंद कर दें माशाल्लाह से। ये हमारा देसी मुर्ग जो है ना वो तैयार हो चुका है। ये हमारे सफेद चावल तैयार हो चुके हैं। देसी स्पेशल चटनी तैयार की जा रही है। ये ज़ाफ़रान में पके चावल आ गए। ये हमारे पास आ गया है देसी मुर्ग और मुखद्दम राइस और उसके साथ देसी मुर्ग। और खाना हमारा डिस्प्ले हो चुका है, अभी हम सर्व करेंगे। अंकल जी, इधर डालते भी माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त। कान गफार भाई ने बिल्कुल वही चीज़ बनाई है, देसी मुर्गा और सादा चावल, बिल्कुल ये कश्मीरी डिश है पुरानी।